नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला डिजिटल शुभारंभ स्किल इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 700 जगार हेबो एथिरे 30 प्लस सेक्टर रु 4000 अधिक कंपनी अंशग्रहण करेंगे। शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्योगी मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव एवं राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर उपस्थित में यह कार्यक्रम शुभारंभ होता सीधासख चित्र स्क्रीन देखि पार्टी। नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला डिजिटल रो शुभारंभ स्किल इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 700 जगार एक कार्यक्रम हो 30 प्लस सेक्टर रु 4000 रु अधिक कंपनी अंशग्रहण करिबे, अर्थात 30 रु अधिक सेक्टर रु 4000 रु अधिक कंपनी एथिरे अंशग्रहण करुछंती। शिक्षा दक्षता विकास एवं उद्योगी मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव एवं राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर उपस्थित में कार्यक्रम शुभारंभ करा जाए। लगभग 20 कंपनी है जो रजिस्टर्ड है और आज यहाँ हमारे साथ प्रेजेंट है जो कि अप्रेंटिसशिप को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें लगभग 500 वैकेंसी उसके अंदर क्रिएट की गई है, जिसमें ITI होल्डर्स, डिप्लोमा होल्डर्स और 10th पास और 12th पास जो है बच्चों का इसमें ITI सेलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह से ये मेला जो है पूरे गुजरात के अंदर लगभग 33 डिस्ट्रिक्ट्स में 45 सेंटर्स के ऊपर आयोजित किया जा रहा है और इन 45 सेंटर्स में लगभग 500 इंडस्ट्री जो है आज मौजूद हैं, जो कि लगभग 4138 जो है वैकेंसी उन्होंने क्रिएट की है, जिनको जो है वो आइडेंटिफाई करके और बच्चों का सिलेक्शन करेंगी। और इसमें अब तक गुजरात के अंदर जो ये कल शाम तक का जो डाटा था उसके हिसाब से लगभग 21,893 कैंडिडेट ने अपने आप को रजिस्टर किया है और अभी का स्टेटस अगर हम देखेंगे तो ये फिगर जो है लगभग 25,000 के आसपास क्रॉस हो गया होगा। तो हमें उम्मीद है कि इस मेले के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप में से कोई कंपनी की ओर से और एक पूरे ये थोड़ा हमें बताएंगे यानी आपकी दृष्टि से या अपने मेला में क्या होने वाला है? जैसे हमारे रीजनल डायरेक्टर ने थोड़ा कल्पना दिया, मैं जानना चाहूंगा कंपनी की ओर से कोई एक मित्र बताए आप क्या करने वाले हो बच्चों को और बच्चे आपकी उसमें रजिस्ट्रेशन क्यों कराया, आपका क्या अपेक्षा है, ये दोनों थोड़ा कोई बताए नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आई एम ऑडिबल? जी बनाता है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं तीर्थ एग्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम दीपेश कच्छा है, सीनियर मैनेजर एचआर। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें स्किल्ड, जी सर, वी आर मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। हेलो एंड वी हैव एंगेज मोर देन 150 ITIs डिफरेंट ट्रेड के, लाइक फिटर, टर्नर, कोपा, मशीनिस्ट, वेल्डर। सो ये सारे लोग हमें चाहिए क्योंकि, हाँ, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। मैं तीर्थ एग्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम दीपेश कच्छा है, सीनियर मैनेजर HR। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें, दीपेश जी, आपकी कंपनी क्या काम करती है? जी सर, वी आर मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। जी हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड वी हैव एंगेज मोर देन 150 ITIs डिफरेंट ट्रेड के, लाइक फिटर, टर्नर, कोपा, मशीनिस्ट, वेल्डर। सो ये सारे लोग हमें चाहिए क्योंकि हमारा जो कंपनी है विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोटरी टीलर। सो ये फ्रीक्वेंट अगर हमें स्किल मैन पावर मिले तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और मेरा एक सजेशन था
कि जैसे अभी सानम में इन लोगों ने जो माइग्रेंट वर्कर है के लिए हॉस्टल का सुविधा बनाने जा रहे हैं गवर्नमेंट, वैसा सुविधा अगर यहाँ पर मिले, क्योंकि यहाँ पर राजकोट में जितनी भी कंपनियां हैं वहां पर जितने भी आईटीआईज लोग आते हैं वो स्मॉल विलेज से आते हैं, एंड वी आर पेइंग देम स्टाइफेंड सो दे कांट अफोर्ड टू मूवमेंट, बट वी आर गिविंग अ फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टूवर्ड्स राजकोट एंड कैंटीन फैसिलिटी। तो सारी कंपनी की ये रिक्वेस्ट है अगर वैसा कुछ यहाँ पर हो जाए सो वी आर गेटिंग अ मोर आईटीआई स्किल्ड पर्सन फॉर बेटर आप बताओ, आप प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आपके सुझाव हॉस्टल के लिए अच्छे। आप अप्रेंटिसशिप में स्टाइपेंड जी कितने देते हैं और कितने दिन के लिए देते हैं? 10,000 सर देते हैं हम कितने एक दिन के साल के लिए? लिए, एक साल के उसमें लिए सर। भारत सरकार की पैसा आपको मिल जाती है? हाँ वो मिल जाती है आप एनएपीएस। जो स्टूडेंट को देते हो आप जी सर उनको बैंक अकाउंट में देते हो या कैश देते हो? बैंक अकाउंट में सर। ठीक है, थैंक यू दीपेश जी। कोई थोड़ा थैंक यू स्टूडेंट सर। बताएं, कोई स्टूडेंट बताएं। हेलो, मेरा नाम विराज मकुत्रा है। मैं राजकोट आईटीआई में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के फाइनल ईयर में हूँ। मैं यहाँ अप्रेंटिस के मेले में भाग ले रहा हूँ और अप्रेंटिस के खत्म बनने के बाद मुझे केंद्र सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो मुझे आगे इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंधित और मुझे परमानेंटली जॉब मिल सकती है, और यहाँ मुझे सामान और वेस्टर्न रेलवे जैसे बड़ी कंपनियों में जॉब की तक मिल रही है। आप मैट्रिकुलेशन पास किए हो या 12वीं भी पास किए हो? SSC मैंने मैट्रिक 10th, मैट्रिक टेंथ। अभी उसके बाद अभी आईटीआई आपकी पढ़ाई चल रहा है? हाँ फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर, फिर अभी आप अप्रेंटिसशिप की भी एक साल का काम कर लोगे हाँ, अगर आज सिलेक्ट होंगे तो। यस रीजनल डायरेक्टर साहब आज को इंटरव्यू, उनको सिलेक्शन कैसे करते हो? क्या मतलब? एक मिनट सर, ये हमारे आईटीआई प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा प्लान किया है और इंडस्ट्री के साथ इन्होंने जो टाई अप किया है तो ही विल एक्सेप्ट। नमस्कार सर, निपुण रावल, नोडल प्रिंसिपल आईटीआई राजकोट। सर आज हम लोग ने पूरा अरेंजमेंट किया है, रूम सब कंपनी को अलॉट कर दिया है, सब कंपनी पहले इंटरव्यू लेके, इंटरव्यू लेने के बाद उन लोग को शॉर्टलिस्ट करेंगे और शॉर्टलिस्ट करने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट जो बनता है सर अप्रेंटिस इंडिया जो पोर्टल है उसपे हम लोग रजिस्टर करें बच्चों को और उनका एक साल का अप्रेंटिस स्टार्ट होगा उसके बाद। सर सर्टिफिकेट कहाँ दे, कौन देगा? सर सर्टिफिकेट तो कंप्लीट होने के बाद सर हम लोग देंगे, पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट सर करना पड़ेगा अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पर। नहीं ठीक है, आज जो यस पहला पहला रजिस्ट्रेशन भी आप कराओगे, कॉन्ट्रैक्ट आप भी कराओगे, फिर 7 साल के बाद सर्टिफिकेट भी आप दोगे? एनसीबीटी देगा सर, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल। एनसीबीटी देगा लेकिन आपके माध्यम से देगा? यस सर। इंस्टीट्यूशन तो वो लोकल, उसमें इंस्टीट्यूशन ही आता है, फिर डायरेक्टली RDSD और कंपनी। और सर आज हम जो नई चीज कर रहे हैं जो पहले नहीं किया था, हम सिर्फ ऑफर लेटर दिलवा देते थे, आज हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक काफी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाए वेबसाइट पे अपने पोर्टल पे, ये पहले नहीं करते थे। ठीक, ये सर्टिफिकेट क्या है? अप्रेंटिसशिप का सर, आफ्टर 1 ईयर इट इज कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप कॉल्ड नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSC, दैट इज लॉट ऑफ वैल्यू सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मीना सर। और अब हम सर चल रहे हैं वाराणसी, जहां पर हमारे साथ हैं श्री JD मसीला मणि जी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी से हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सर, आई एम मसीला मणि, रीजनल डायरेक्टर RDSD उत्तर प्रदेश।
I am attending this VC, I mean the apprenticeship mela opening from government ITI Karundi, Varanasi, sir. Sir, in our state of Uttar Pradesh, we are organizing this mela in all the 75 districts and 75 nodal ITIs. We are collecting this apprenticeship mela, sir. And we are having 41,000 vacancies, sir. And 90,000 students have been registered for the filling of these vacancies, sir. वहाँ का स्थानीय प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल अरुण कुमार सर. नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार यादव है सर. मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ सर. मेले के लिए सर हमने दो तरीके से व्यवस्था की है सर. एक व्यवस्था इस तरीके से है कि कंपनीज का अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन हो, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए तो प्रशासन के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन करवाया है. और जो हमारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके लिए हमारे जो इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग हैं, अभी मेरे साथ में भी है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लोग, इन लोगों ने भी अपने अपने इंडस्ट्रीज जिनकी संख्या 30 से अधिक है उनका रजिस्ट्रेशन करवाया है और करवाने में मदद कर रहे हैं हमारी. और दूसरे सर, स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन, हम जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हमारे पढ़ते रहते हैं, हम अपने संस्थान स्तर पर हम कोशिश करते हैं कि उन सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए. आज भी इस मेले में जो प्रतिभाग करने आए हुए हैं, हमने उनका अलग से एक काउंटर बना के रखा हुआ है कि अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हमारे कंप्यूटर्स के जो टीचर्स हैं वो मिल करके उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे. और जो हमारे करीब 66 इंडस्ट्रीज आज यहाँ पार्टिसिपेट करने वाली हैं मेले में, इनसे और वो जो वैकेंसीज क्रिएट होंगी वो रजिस्टर्ड एनएपीएस पोर्टल पर स्टूडेंट्स का मैच मेकिंग की प्रोसेस करवाएंगे सर. ठीक है यादव जी, आपके वहां जो कंपनियां आए हैं उसमें टेक्सटाइल वाले कोई हैं? बनारस की जरी सर, हमारे कोई कंपनी है सर? सर हमारे इंडस्ट्री पार्टनर मैसेस मारुति से हमारे आए हुए हैं डॉन साहब अप्रेंटिस के लिए. साथ में सर हमने आईआईए के जो अध्यक्ष हैं वो और लघु उद्योग भारती और एग्रो पार्क जो हमारे जितनी भी इंडस्ट्रीज के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं या महामंत्री हैं. यादव जी सुनो सर, मारुति तो करंदी आईटीआई का नोडल पार्टनर है सर, तो उनका तो वहां कारखाना नहीं है, वो उसको बाद में कहीं लेना है तो ले जाएगा शोरूम्स में भी नहीं. वो ठीक है, मैं बनारस की चरित्र जानते हुए पूछना चाहता हूं, बनारस की जो साड़ी इंडस्ट्री है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और पावर रूम टाइप की जो दुनिया है बनारस की इकोसिस्टम पे, उसी में से कोई उद्योग यहां आज उपस्थित है क्या? सर उद्योग से संबंधित है सर, जी सर है, राजेश भाटिया जी हैं जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से हैं सर. सर नमस्कार, मैं राजेश भाटिया इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन का नेशनल सेक्रेटरी हूं. यहां पर हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टेट में जितनी यूनिट है सर सब रजिस्टर्ड है और आज सबको यहां पे आएंगी जो रूम्स अलॉट हुए हैं जहां बैठ करके वो इंटरव्यू लेंगी बच्चों का, तो वो यहाँ पे नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं है, लेकिन वो सब अभी 11 बजे तक यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे. बात हो गई है सर सबसे. देखिए भाटिया जी, आप दो दिन है आपके बनारस में, हम लोग मानते हैं कि कोई कारखाना लगाया, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इंडस्ट्रियल गुड्स निकालता है. मैं बनारस, मैंने हमारी देश में इंडस्ट्री की दायरा में बनारस में पर्यटन की दुनिया, टूरिज्म की दुनिया एक इंडस्ट्री है. सरकार भी यूपी सरकार की पॉलिसी में इंडस्ट्री के दर्जा उसको भी मिला है. उधर से भी कोई हमारी, मान लो एक अच्छा होटल है या होटल एसोसिएशन है, कोई इलेक्ट्रीशियन हमारी आईटीआई से पढ़ा हुआ है, उसमें एक साल वो अप्रेंटिसशिप रहता है तो उसको वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी मिलते रहेगा. ये भी थोड़ा लोकल इंडस्ट्री एसोसिएशन और लोकल आईटीआई की प्रिंसिपल इंडस्ट्री की इमेजिनेशन को, परिकल्पना को भी आप आपकी इलाका में जो चीज है उसी को भी ध्यान दे के थोड़ा आपको एक्सपेंड करनी चाहिए. ऐसा आप करोगे ऐसा मेरा अनुरोध है आपको.